दोस्तों घबराइए नहीं, ये है सेल्फी क्रेज। आज मैं जिस चीज की अपडेट लेके आया हूँ वो एक सेल्फी फोन है, और सेल्फी का नाम लेते जो आपके जहन में है, जी हाँ गाइस, वही ओप्पो। ओप्पो एक ऐसा ब्रांड है जिसने लोगों को खूबसूरत बनना सिखा दिया, खासकर मेरे जैसे लोगों को जो लगते इतने अच्छे नहीं, नजर बहुत अच्छे आते हैं। जी हाँ गाइस, ओप्पो के फोन के बारे में आज की वीडियो बनेगी। आज का नया टॉपिक होगा ओप्पो F7। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मेरी आपको वीडियोस मिल सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टर टेक। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सेल्फी फोन को लेके, वो है ओप्पो का F7। जी हाँ दोस्तों, F7 इंशाल्लाह मार्केट पाकिस्तान की में मिलेगा आपको अप्रैल के बाद या मिड इन द एंड ऑफ अप्रैल ओप्पो F7 लॉन्च होने वाला है 28 मार्च को इंडिया में, और जो भी डिवाइस इंडिया में पहले लॉन्च होती है उसके 15 से 20 दिन के बाद पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो जाती है। F7 के अंदर आपको देखने को मिलेगा बहुत प्रीमियम डिस्प्ले जिसमें एक नॉच मिलेगी। क्या यार ओप्पो, कोई तो अपना डिजाइन दे लो क्या, कब तक आईफोन को कॉपी करोगे, कब तक सैमसंग का डिस्प्ले कॉपी करोगे। लेकिन कोई बात नहीं, बेटर लक आपको देनी चाहिए, नई डिवाइसेस नई शेप में नया ट्रेंड, सिर्फ सेल्फी मैटर नहीं करती। लेकिन मेरा काम है नॉलेज देना आपको, मैं आज नॉलेज दूंगा ओप्पो F7 की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिकेशन में। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं, ओप्पो F7 में आपको मिलने वाले हैं दो वर्जन। जी हाँ गाइस, जैसे कि F5 में इस्तेमाल किया था ओप्पो ने मार्केट में दो वर्जन को, एक था F5 और एक था F5U, ऐसे ही आपको मिलने वाला है F7 में। F7 जो आएगा वो आएगा 4GB और 64GB की मेमोरी में, 6GB 64GB में, और जो F7 यूथ होगा वो आपको मिलेगा 3GB और 32GB में। अब बात करते हैं इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलने वाला है 8.0, और इसके अंदर जो आपको प्रोसेसर मिलेगा वो मिलेगा मीडिया टेक का हीलियो P60। जी हाँ गाइस, हीलियो P60 के साथ आपको ये मिलेगा पाकिस्तान की मार्केट में, इंशाल्लाह आपको मिल सकता है ये इन द एंड ऑफ अप्रैल या मई के स्टार्ट में। इसके अंदर जो कलर मिलेंगे आपको, कलर दो ही देखने को मिलेंगे, टिपिकल एक ओप्पो का ही फोन होगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि क्या क्या चीजें आपको इसके अंदर मेन मिलने वाली हैं। चिपसेट की बात मैंने आपको बता दी, इसके अंदर आपको माली का जीपीयू मिलेगा G72 जो कि काम करता है MP3 पर। और कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगी इसके अंदर आपको, रैम का पहले पहले भी बता चुका हूं कि आपको दो तीन वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 3GB 32GB 4GB 64GB 8GB का जो वेरिएंट है वो तो आता है R15 में। अब बात करेंगे कैमरे की, तो कैमरे के अंदर आपको मिलने वाला है भाई 25 मेगापिक्सल का विद AI। जी हाँ गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ओप्पो एक बहुत अच्छा और सेल्फी फोन देने वाला है जो कि 25 मेगापिक्सल के साथ सॉफ्ट रियलिटी और एक छोटी सी नॉच देखने को मिलेगी साथ ही आपको। रियर की बात करेंगे तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा जो अपर्चर 2.0 सपोर्ट करता है। भाई दो कैमरे लगा दो बजट फोन में भी कोई बात नहीं, ओप्पो शायद आगे कुछ बेहतर सोच रहा हो इसके बारे में। और अब बात करते हैं इसके बैटरी की, तो बैटरी में आपको मिलने वाली है 3400 mAh की बैटरी, बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग टाइम हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगा 8.0। ओवर अगर बात करेंगे तो बैक साइड पर आपको देखने को मिलते हैं एक कैमरा और एक फिंगरप्रिंट लॉक। अब तो काफी ट्रेंड चेंज हो गया मार्केट का, वीवो डिवाइस ले आया डुअल कैमरा बैक में, शाओमी ने एक डिवाइस दे दी आपको रियर कैमरा वर्टिकल में। आईफोन X को अगर आपको कॉपी ही करना था तो भाई रियर पर भी आप एक मिड रेंज के फोन में डुअल कैमरा लगा देते, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। जहां तक मेरी अपनी है एक्सप्लोरेशन है, जितना मेरा अपना डाटा है वो यही शो कर रहा है कि रियर साइड पर आपको सिंगल कैमरा 16 मेगापिक्सल का मिलेगा। फ्रंट साइड कैमरे में आपको मैंने यूजुअली बता दिया, इसके अंदर आपको 25 मेगापिक्सल का AI के साथ मिलेगा। इसके अंदर आपको फेस अनलॉक मिलेगा, इसके अंदर आपको जो मेन चीज हम अब बताने वाले हैं आपको वो है इसका डिस्प्ले। जी हाँ, ये दूसरी ऐसी डिवाइस होगी वीवो के बाद जो आपको देगी 19:9 का रेशो फुल व्यू डिस्प्ले जो कि सपोर्ट करता है 1080x2280 के डिस्प्ले को। क्या कर रहे हो भाई, इतना अच्छा डिस्प्ले इतने पैसों में। चले बात करते हैं प्राइस की, तो F5 यूथ की प्राइस थी लास्ट टाइम 3GB और 32GB की 28,000 रुपया। मोस्ट प्रोबेबली ओप्पो यही मिड रेंज में, यही बजट रेंज में ये लेके आएगा, लेकिन हो सकता है कि प्राइस की वेरिएशन आपको मिले क्योंकि डॉलर रेट आजकल ऊपर चल रहा है, परचेजिंग डॉलर पे चल रही है, लोग डॉलर से चल रहे हैं, मैं भी डॉलर से चल रहा हूं और आप भी डॉलर से चल रहे हैं। काश ऐसा होता कि हम पाकिस्तानी करेंसी पर भी चलते। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो ओप्पो F7 को लेके, कुछ मजाक हुआ, अगर आपको बुरा लगा तो कोई मसला नहीं है भाई, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा बुरा ना लगे। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे, दोबारा मैं बता रहा हूँ, अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी सारी वीडियो नोटिफिकेशन में मिल सके। अल्लाह हाफिज।